टीचर ट्रेनिंग बुक पेज नंबर 31। इसके पहले हम लोगों ने डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा था। अब हम लोग सीख रहे हैं 31 पर डिवीजन। इसके पहले एक चैप्टर मैं कराना चाहूंगा और वो है पेज नंबर 33। हालांकि क्योंकि यदि आपको 33 टेक्निक पता पड़ गई तो डिवीजन आपका बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं पेज नंबर 31 है लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको 33 और कर रहे होंगे आप 31। एकदम इजी है और इसकी दो टेक्निक है। एक तो ये है जो पेज नंबर आप 33 से ले सकते हैं, तो अमेजिंग पेज है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा, डिवीजन में भी हेल्प करेगा, एडिशन में भी पेज नंबर 33 हेल्प करेगा। बिल्कुल यूनिक टेक्निक है। तो अभी मैं आपको 33 के बारे में बताऊंगा लेकिन काम में आ जाएगा आपके ये 31 पेज के अंदर। आइए देखते हैं। टीचर ट्रेनिंग बुक पेज नंबर 31, डिवीजन मतलब भाग लगाना। ये भी बिल्कुल स्कूल टेक्निक से हम लोग करेंगे, बहुत इजी है। इसके पहले हम लोग इसमें एक चीज और है, मल्टीप्लिकेशन टेबल बाई रिपीटेड एडिशनल मेथड। इसको एक बार समझते हैं ये क्या है, मैं आपको यही समझा देता हूँ। तो ये आपकी ये जो टेक्निक मल्टी एडिशन मेथड, ये बहुत काम का है। ये डिवीजन में भी काम आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएगा, एडिशन में भी काम आएगा। इसमें होता क्या है कि बच्चों को हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ भाग की बहुत अच्छा सिखा रखा है, बच्चे बहुत स्पीड से करते भी हैं। सपोज मान लो मेरे को अभी ये 14 है, अब मुझे 14 की टेबल नहीं आती है, तो एडिशन मुझे आता है तो 14 में और 14 ऐड करूंगा तो 28। यहां तक क्लियर है? फिर 14 ऐड करूंगा तो 42, फिर 14 ऐड करूंगा 56, फिर 14 ऐड करूंगा 70, फिर 14 ऐड करना है 84। इस तरह करके हम लोग 10 तक लेके जा सकते हैं। यही एडिशन मेथड है, क्योंकि आप जब डिवीजन करते हैं तो आपको टेबल आनी चाहिए, नहीं आती तो आप बहुत फास्ट एडिशन करके भी चेक कर सकते हैं कहां तक जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल भाग लगाते हैं, वो स्कूल वाली ही टेक्निक है। तो ये जो एडिशन मेथड है वो यही मेथड है कि बच्चा उसको बार बार, जैसे मान लो 188 की टेबल नहीं आती तो 188 यहाँ लिखेगा, उसमें वापस 188 ऐड करेगा, फिर उसमें जो भी आएगा उसमें 188 ऐड करेगा। जैसे 14 की टेबल मान लो नहीं आती तो 14 में 14 ऐड करेगा 28 हो गया, 28 में फिर 14 ऐड किया तो 42 हो गया, फिर 14 ऐड किया 56 हो गया, फिर 14 ऐड किया 70 हो गया, फिर 14 ऐड किया 84 आ गया, फिर 14 ऐड किया 98 आया, फिर 14 ऐड किया 112 आया, फिर 14 ऐड किया 126 और फिर 14 ऐड किया तो 140। इस तरह के टेबल हम लोग कर सकते हैं ना आराम से, लेकिन ये तब है जब बच्चे की एडिशन की स्पीड बहुत ज्यादा है। क्योंकि चलो छोटी टेबल तो हमको लर्न होती हैं 10 11 12 15 20 25 23 35, लेकिन जब ऐसी टेबल हमको मान लो कभी लर्न करनी पड़ जाए 75 की, 45 की या 82 की, तो क्या करें। क्योंकि डिवीजन का सबसे बेसिक मंत्रा है वो है कि आपको टेबल आनी चाहिए, नहीं आएगी तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उस कंडीशन में बच्चा एडिशन करके भी टेबल बना सकता है अपनी और वो चेक कर सकता है कि मुझे कहाँ तक इसको करना है, ठीक है। तो इसलिए ये एडिशन जो टेक्निक है वो डिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आती है। यदि बच्चों को टेबल आती है और कोशिश करें कि आप अबेकस टीचिंग बच्चों को दे रहे हैं तो 15-20 तक बच्चों को टेबल आप करा दें, लर्न कर लें। बच्चे कई बच्चों को तो लर्न रहती भी है, और यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो एडिशन टेक्निक है वो बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा। और वो किसी भी डिजिट को मान लो सपोज बड़ी बड़ी डिजिट है 178, इसकी टेबल बच्चों को करनी है तो फटाफट वो मन में ऐड कर करके पूरी टेबल बना देगा। तो बस वो टेबल है वही डिवीजन में काम आती है। हम लोग स्कूल में भाग लगाते हैं तो जब हमको टेबल आती तभी तो भाग लगा पाएंगे। चलो ये तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, तो 23 में इसमें हाँ डिवीजन के अंदर इस अबेकस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। क्योंकि हाँ जो बच्चे ने
जो सीखा है डिवीजन के अंदर सब्ट्रैक्शन वगैरह वो उसको हेल्प करेगा, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कई लोग बोलते सर अबेकस को अबेकस पे करके डिवीजन दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है, बच्चा वो मेंटली सारा कर लेगा, क्योंकि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आ गया नहीं आया तो इस टेक्निक से ही बच्चा उसको मल्टीप्लाई कर लेगा, उसमें लेस करना है माइनस करना है वो भी मेंटली कर लेगा, तो इसका कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। हाँ इसका रोल ये है कि बच्चे को हमने बहुत फास्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया इस टेक्निक से, तो वो डिवीजन में दोनों काम आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सपोज जैसे मान लो मैं आपको बहुत सिंपल समझाऊं, 23 है, 5 से डिवाइड करना है। एक बार आप ये मान के चलो कि बच्चे को 5 की टेबल नहीं आती, आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगी, एक बार मान के चलो, तो बच्चे को आप क्या बोलेंगे भाई 5 में 5 ऐड करते जाओ और कोशिश करो कि 23 से पहले रुकना है, 23 क्रॉस हो 1 नहीं जाना है। तो बच्चे ने 5 को एक बार 5 हो गया, सेकंड टाइम 5 आया तो 10 हो गया, थर्ड टाइम 5 ऐड किया तो 15, फोर्थ टाइम 5 ऐड किया तो 20, और 5 टाइम 5 ऐड किया तो 25, तो 25 ज्यादा हो गया, तो फोर्थ टाइम बच्चे को पता है कि फोर्थ टाइम मैंने ऐड किया 5 को तो 20 हो गया, तो क्वेश्चन पे बच्चा क्या लिखेगा 4। अपन एक बार मान के चलते हैं 5 की टेबल नहीं आती, तो 20 आया, अब क्या करना है 23 में से 20 माइनस करना है, वो रिमाइंडर हो जाएगा, तो बच्चा मेंटली माइनस कर सकता है, या तो खैर बहुत छोटी डिजिट होगी, ये तो खैर समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, बाकी बच्चा कर सकता है आराम से। तो यहां पर जैसे मान लो एक बार इसी तरह, हालांकि 5 की टेबल बच्चों को आती है तो एडिशन मेथड ना भी लगाए तो चलता है, लेकिन सपोज इसको मान लो ये 25 की टेबल नहीं आती है तो 25 ऐड करता चला जाएगा 72 पर, 72 के लिए स्कूल की तरह डिवीजन सिखाना है बच्चे को, ठीक है ना। ये यहां तक लेके नहीं जाना है बच्चे को, स्कूल में क्या करते हैं आप 7 2 3, अब मान लो 25 से आपको डिवाइड करना होता है तो आप पहले 72 के साथ ही तो करते हैं, तो बच्चा 25 प्लस 25 प्लस 25, तो 3 बार 25 करने से उसको लगता है 75 हो रहे हैं, 2 बार करेगा तो बच्चा मेंटली दो बार लिख देगा क्यू के अंदर 2, और इसमें मेंटली कम भी कर देगा 50 को, फिर जो आएगा 3 है उसमें 3 के साथ एडजस्ट करेगा, फिर वो बच्चा उसमें से करेगा, स्कूल की तरह ही है बिल्कुल भी है। तो डिवीजन आपको ऐसे ही करने। थैंक यू।